नमस्ते बिटिया, खुश रहो। आई जीवीएन आरजू बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन एंड मेथोलॉजी। टुडे आई विल डिस्कस यू अबाउट एपलेट। व्हाट इज द एपलेट? एपलेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज एम्बेडेड इन द वेब पेजेस टू जनरेट द डायनेमिक कंटेंट एंड इट आल्सो रन्स इनसाइड द ब्राउजर एंड वर्क एट क्लाइंट साइड। ओके, नाउ एपलेट प्रोग्राम एज एन इफैक्ट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन इन ए वेब ब्राउजर। It is also embedded with a HTML file, so we can use a browser to enable the use a Java enabled browser to access the HTML file. So which time applet is also access this file. So an applet is a Java less that Java classes that extend the Java applet dot applet classes, and no main method is required in a applet. Then applet are designed to be embedded within the HTML pages. So JVM is required to view a applet. So applet have provide a security. Security means a sandbox security which can we cannot access the code in applet in applet. So some advantage of applet. There are many advantage of applet. They are as follow. It work at the client side, so less response time, and it also provide a security. Security, which security is provided, that is sandbox security, and it can be executed by browser running under many platform, including Linux and Windows, Mac operating system. Some drawback of applet: plug is required at client browser to execute the applet. So, what is the servlet? What is the servlet? Servlet is also a Java programming class that is also used to extend the capability of server that host applications accessed by means of a request response programming model. Although servlet can respond to any type of request, so they are commonly used to extend the applications hosted by web server. जो servlet जो होता है उसकी जो आपके एक तरह से आपको सर्वलेट पर जो भी कोडिंग होगी और उसको एक्सटेंडेड जो होगा ये कैपेबिलिटी ऑफ द सर्वर, जो आपका सर्वलेट जो होता है वो सर्वर साइड ही एग्जीक्यूटेड होता है। हमें सर्वलेट के लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एपलेट जो होता है वो एग्जीक्यूटेड होता है क्लाइंट साइड। तो सम डिफरेंस बिटवीन एपलेट एंड सर्वलेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपलेट एंड सर्वर्स? फर्स्ट इज जावा एपलेट इज ए स्मॉल एप्लीकेशन विच इज रिटन इन जावा and delivered to user in the form of bytecode. जो applet जो होता है embedded होता है HTML file में. For example, आप जब HTML file को browser के थ्रू open करते हो तो आपका applet file जो होता है वो automatically की वो load होगा. तो हम जो इसमें Java enabled browser है उसको use करके उस applet को हम जो HTML file है उसको हम open करते हैं, तो applet जो होता है वो भी automatically load होगी उसकी file भी. एंड और ये जो एप्लेट जो होता है एक तरह से आपको एपीआई प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है. ओके, जो और इसका जो कोडिंग होती है वो क्लाइंट साइड ही होता है. सर्वलेट जो होता है ये भी इट इज ए सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास यूज टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ ए सर्वर. सर्वलेट की जो सर्वलेट जो होता है वो भी एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसकी सर्वलेट की जो क्लासेस होती है वो भी सर्वर के कैपेबिलिटी जो होता है उसके एक्सटेंडेड करने के लिए यूज होती है. तो सर्वलेट पर जो आप कोडिंग करोगे जावा प्रोग्रामिंग की वो एग्जीक्यूटेड होगा सर्वर साइड पर, और जब एपलेट की कोडिंग जो होती है एपलेटेड क्लासेस जो होती है जितनी भी वो आपके जावा प्रोग्रामिंग जब हम एपलेट क्रिएट करेंगे तो वो सारी जो है एग्जीक्यूटेड होगा क्लाइंट साइड. तो एपलेट आर एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड एंड सर्वलेट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर साइड. सेकेंड डिफरेंस बिटवीन वट the applet are executed on client side but servlet are executed on server side. Third difference between applet and server, then applet are used to provide interactive features to web applications that cannot be provided by HTML alone, like capture mouse input etc. But servlet are the Java counterpart to other dynamic web content technologies such as PHP and ASP.NET. तो सम साइकल्स लाइफ साइकल्स ऑफ एपलेट वी यूज ए सम लाइफ साइकल्स ऑफ एपलेट टू क्रिएट एन एपलेट. फर्स्ट इज इनिट, सेकेंड इज स्टॉप, थर्ड पेंट,
functions and start functions and destroy. Similarly, life cycle of servlet, init, service, and destroy. Then we discuss about init, what is init, stop, append, start, destroy, how to is work it in the last session. So package available in applets are import java applet star and import java dot awt star. जो आपके जो packages जो folders होंगे available होंगे APIs होगी वो क्या करेगी जितनी भी java applet की classes होंगी उन सबको import करेगी और जितने भी आपके java dot awt की classes होंगी उन सबको import करेगी. तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है एप्लेट्स एक एपीआई प्रोवाइड करता है. एपीआई क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है. इंटरफेस क्या होता है जो आपका क्लास में आप जो मतलब उसको एक्सेस करने के लिए क्लास को एक इंटरफेस प्रोवाइड होता है जो इनबिल्ट जीएफसी में होता है. जावा फाउंडेशन क्लासेस प्रोवाइड करता है आपको एपीआई. तो एपीआई क्या प्रोवाइड करता है आपको जावा फाउंडेशन क्लासेस. सर्वलेट सर्वलेट पैकेज जो होता है अवेलेबल इन सर्वलेट आर इम्पोर्ट जावाएक्स डॉट सर्वलेट एंड इम्पोर्ट जावाएक्स सर्वलेट डॉट एचटीटीपी. नेक्स्ट इज एप्लेट यूज यूजर इंटरफेस. आई एम सेइंग हमने मेरे पहले ही आपको कहा था कि एप्लेट क्या होता है. एक तरह से आपको एपीआई प्रोवाइड करता है जैसे आपको एडब्ल्यूटी एक एपीआई है स्विंग एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एडब्ल्यूटी प्रोवाइड इंटरफेस प्रोवाइड करता है वैसे ही आपको एप्लेट जो होता है यूज करता है. तो ये आपको एक ये यूज करता है एक यूजर इंटरफेस क्लासेस यूआईसी. बट इन ए सर्वलेट नो यूजर इंटरफेस इज रिक्वायर्ड. आपको सर्वलेट की तरफ यूजर इंटरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जबकि एप्लेट में जो है आपको यूजर इंटरफेस क्लासेस की रिक्वायर्ड रहती है और ये आपको एपीआई प्रोवाइड करता है. एप्लेट आर मोर प्रोन टू रिस्क एज इट इज ऑन द क्लाइंट मशीन बट सर्वलेट आर अंडर द सर्वर सिक्योरिटी. एप्लेट जो होता है आपको सैंडबॉक्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जबकि सर्वलेट जो होता है सर्वर के अंडर ही आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहता है. एप्लेट यूटिलाइज मोर नेटवर्क बैंडविड्थ एज इट एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट साइड. जो एप्लेट की जो जो नेटवर्क बैंडविड्थ होती है वो सिर्फ क्लाइंट मशीन पर ही एग्जीक्यूटेड होती है जबकि सर्वलेट जो होता है वो आपका एग्जीक्यूटेड होगा सर्वर साइड पे और इसमें आपको लेस बैंडविड्थ की रिक्वायर्ड होगी. और जबकि एप्लेट जो होता है आपका क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूटेड होता है इसके लिए आपको मोर बैंडविड्थ की रिक्वायर्ड होगी मोर नेटवर्क बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो एप्लेट यूटिलाइज मोर नेटवर्क बैंडविड्थ एज इट एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट मशीन बट सर्वलेट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर and hence requires less bandwidth. So requires java compatible browser for executions. आपको क्या होगा आपको मतलब executions के लिए इसमें जो है आपका java enabled या java compatible browser की requirement रहेगी किसी भी चीज़ को client side में जो आपका applet है उसको executed करने के लिए. But in a server side in a servlet it accept input from browser and generate response in the form of HTML page, then JavaScript object dot applet etc. तो ये क्या करेगा आपका जो ब्राउजर से है उससे इनपुट एक्सेप्ट करेगा और उसका रेस्पॉन्स को जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ HTML pages. And after then it give you Java, जैसे फॉर एग्जाम्पल JavaScript object applet etc. तो these are difference between applet and servlet. What is the difference? Difference is applet are run on client side but servlet is run on server side. Applet is provide a java programming language which is embedded with a html file but servlet is also provide a java programming which is used class used to extend the capability of server. Applet is provide a life cycle of applet is init stop append start and destroy but servlet life cycle is consider init service and destroy. Applet is a provide sandbox security but and also applet is a provide a user interface like AWT and Swing but servlet is no required any user interface no required any user interface. So these differences are between applet and servlet. This session is powered by Digital Session 2.0 at JVW. Thank you.